हाँ बताइए, आपको हमारे ऊपर संदेह है? चलिए पूरा गाड़ी है आपके पास। नहीं, ये बोलेंगे कि हम चेक करेंगे, इनका आईडी देखेंगे कि नहीं। आपको भरोसा नहीं था तो आप चेक किए, हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। सामने देख सकते हैं जी, टॉय ट्रेन चल रही है। हम लोग तो राइड नहीं ले सकते हैं, पर दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। हम लोग पहुंच गए जी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर। तो देख सकते हैं आगे का कुछ नजारा ऐसा है, वहाँ पर एक ट्रेन जो है लगी भी हुई है। वैसे हम लोग का जो प्लान है वह है कि एक चिड़ियाघर है इधर, वह घूम लिया जाए, साथ में रोप वे वह एक्टिविटी कर लिया जाए। बाकी समय थोड़ा सा कम है हमारे हाथ में, तो लग रहा है दोम से को एक एक्टिविटी ही होगी, जो भी हमारे सामने मिल जाएगा सबसे पहले वही कर लिया जाएगा। तो चल रहे जी यहां से सीधा रोप वे के पास। ओहो, और पीछे नजारा जो है, ओहो जबरदस्त नजारा सब है पीछे। हम लोग तो जा रहे थे जी रोपवे के लिए, लेकिन रोपवे के लिए जो है हम लोग को दिक्कत क्या हो गई कि वहाँ पर गाड़ी रखने की जगह नहीं थी। वहाँ गाड़ी पार करते कोई ठीक नहीं था। खूब कोशिश किया कि कुछ लोग गाड़ी निकालेंगे, वहाँ लगा लेंगे, एक जगह दिखा भी तो, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी निकाला, पीछे से कोई एक लोकल था वहाँ गाड़ी लगाने के लिए। फिर क्या करते, निकल गए वहाँ से हम लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक जू है, एक आखिरी उम्मीद यही बची है, तो जितना घूम सकेंगे यहाँ पर घूमेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग आ गए हैं जी, यहाँ एक जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर आ गए हैं। यही एक जगह है जहाँ पर हम लोग अभी घूम सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है। यहाँ पर पार्किंग का थोड़ा इशू आया, लेकिन एक जगह जो है गाड़ी एक दुकान के आगे भाई साहब ने थोड़ा मदद किया, तो वहाँ पर हमने पार्क कर लिया है गाड़ी। और गोलू आता ही होगा, गोलू ही वहाँ पर गाड़ी लगाया हुआ है। और यहाँ पर टिकट ले लिया है 3 लोगों का, और यहाँ का जो टिकट का कॉस्ट है देख रहे हैं 60 रुपीज़ है पर पर्सन। अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो 10 रुपया कैमरा का चार्ज। और वहाँ पर बाबू जो है अपना अभी दूध पी रहा है, इसके बाद फिर चलते हैं। जैसे ही जू के अंदर एंट्री किया जी, हमें दिख गया यह प्यारा सा भालू। और यहाँ आ गए हम लोग हिरन के पास। एक बार जूम करके देखते हैं नजदीक से इन सभी को। यहाँ देखो जी, यह हिरन है, यहाँ नीचे क्रियांश भी हमारा हिरन देख रहा है ना। क्रियांश हिरन देख रहा है, बहुत सीरियस तरीका से देख रहा है ना, गौर से देख रहा है। हम लोग जी अंदर घूम रहे हैं, और हमारे जो लेफ्ट साइड है पूरा व्यू है इस रोड की साइड, तो आपको कुछ कुछ जानवर दिख भी जाएंगे साथ साथ। बकरी सब है लेकिन अलग तरह का, लिखा हुआ शीप, अच्छा ब्लू शीप है इधर। और यह क्या है, यह अभी भेड़ का लगता है कोई प्रजाति है, लिखा होगा बोर्ड में आगे मिसमी ताकिन, ये सब नाम भी नहीं पता। इसमें अलग अलग तरह का चीज जानवर दिख रहा है, भेड़ तो सीधा दिख ही रहा है, और किसी चीज का भी लग रहा है अंदर में, गाय टाइप का थोड़ा बहुत लग रहा है। A few moments later. यहाँ पर देख रहे हैं जी एक्टिविटी सब भी होता है। वहाँ पर एक दिया हुआ है, वो रस्सी पर चलने वाला, एक बार किए हुए हम गैंगटॉक में किए थे। उस साइड जो है दो पेड़ के बीच में जो है रस्सी लगा हुआ है, तो जिप लाइन भी कर सकते हैं। करेंगे जिप लाइनर वो? नहीं आज, नहीं आज लेट हो जाएगा, आज लेट हो जाएगा, चलो कोई नहीं। और यहाँ से चल रहे हैं जी अब हम लोग। और यहाँ देख रहे हैं जी एक स्टैचू लगा हुआ है हमारे एक जवान का, और इसमें देख रहे हैं कि आज उद्घाटन हुआ है, 1954 में हुआ है, श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं जी वह है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है पहाड़ पर चढ़ने का ट्रेनिंग होता होगा। हमें भी अभी मौका मिलेगा, लेंगे, लेकिन पता नहीं कब लेंगे, लेंगे भी कि नहीं लेंगे। पहाड़ पर चलना है? हम तो चल ही रहे हैं अभी पहाड़ पे। नहीं, वो खतरनाक पहाड़ पर होगा, सीधे लगता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा देगा। अच्छा, उस तरह का पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई। ओए क्रियांश, ओए क्रियांश भी खूब झूम रहा है यहाँ पर, यहाँ मंदिर है। चलो चलो, नहीं लगाना, प्रणाम कर। यहाँ पर आ रहा है बाघ, जैसे लग रहा है ठीक हमारे सामने ही आ रहा है, बच के रहना जी। क्रियांश वो देखो टाइगर, ये देखो आराम से, क्रियांश भी निहार रहा है, वो भी निहार रहा है, इधर दोनों एक दूसरे को निहार रहा है। होए होए होए, ठीक है महाराज, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। ये कर रहा है खींच मेरी फोटो, खींच लेते हैं आपकी एक फोटो। ब्लैक पैंथर, क्रियांश कौन है ये? क्रियांश मिलो इससे। कौन है ये? मिलो क्रियांश, मिलो, बोलो हाय उसको, हाय बोल दो क्रियांश। हाय क्रियांश, बहुत गौर से देख रहा है। तुमको रहना है यहाँ है ना, तुमको रह लो, हाय बोलो, हाय बोल, हाय बोल दो, बोल दिए, ठीक है चलो बाय बोल देते हैं। चलिए, भेड़िया क्या भागेगा, क्रियांश क्या भागेगा, भेड़िया को क्रियांश भगा देगा। हाँ, मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ के? जूम आ गया, जब तक कैप लगाया था बना के रखा था,
क्या बताने के बाद हीरो बन गया। चलो अच्छा लग रहा है तुमको देख के? अच्छा लग रहा है क्रियांश, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चले हम लोग जी जू से अब निकलने ही वाले थे, लेकिन जिया को मन कर गया कि यहाँ पर कुछ अपना फोटो शूट करवाया जाए। यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तो देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह का सैंपल लगा हुआ है। आप जो अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ड्रेस आपको चाहिए। जिया ने जो पसंद किया है रेड और ग्रीन का जो है, और इसी की मैचिंग में मेरा भी रहेगा। अरे वो तबाही मचा देगा, अगर होगा अभी तो अभी मत पहने। नीचे पैंटी रहता है, चलो ऊपर से ले लो फोटो। हमारा हो गया जी फोटो शूट, यह जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इसमें हो चुका है। और जो भी इसका फोटो है आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी नीचे है तो वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, इस ड्रेस को खोलते हैं और यहाँ से हमें निकलना भी है। यहाँ से डायरेक्ट निकलना है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में जो है कुछ हमें काम भी है। सिलीगुड़ी में गाड़ी का जो कुछ कुछ एक्सेसरीज जो है वो रह गया था लेना, तो हम लोग जाते समय ले लेंगे और वहाँ से सीधा कटिहार निकलेंगे। ये देखिए जी चल रही है ट्रेन, और ट्रेन के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। और ट्रेन से हम लोग आगे हो गए, एक ट्रेन और है आगे, कोयला वाला है वो अभी आराम से पीछे हो जाएगा। कोयला वाला स्टीम भी आ रहा है साइड से, मजा आता होगा। लेकिन अच्छा मुंह दूसरा ही एक दार्जिलिंग से जी हम लोग फाइनली निकल गए हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हम लोग जो सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे 7:17 तक। वहां पर कुछ गाड़ी का सामान उठाएंगे, फिर उसके बाद जो है वहां से निकल लेंगे हम लोग कटिहार की तरफ। अभी जो है सनसेट का माहौल है, मन तो कर रहा है कि गाड़ी रोक करके थोड़ा सनसेट देख ले, टाइम लैप्स कैप्चर कर ले, लेकिन समय नहीं है हाथ में, बस चलते रहना है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था जी, हम लोग घूम करके आ रहे थे, बहुत ही खुशी खुशी आ रहे थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि आगे कुछ ऐसा अनुभव हमारा होने वाला है कि इस अनुभव को हम जिंदगी भर ना भूल पाए। हाँ बताइए, आपको हमारी पर संदेह है कि इसमें कुछ सामान है? यहाँ पे सब लोग हाँ, संदेह होती है। ठीक है, हाँ क्या संदेह बताइए? दारू चेक होता है। हाँ तो करिए चेक, तो करिए चेक करिए, पूरा गाड़ी है आपके पास? नहीं ये बोलेंगे कि हम चेक करेंगे, इनका आईडी देखेंगे कि नहीं? हम कैसे समझेंगे आप ड्यूटी पे हैं? आपको भरोसा नहीं था तो आप चेक किए, हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। नाम क्या है? हाँ नाम बताइए क्या है? नहीं नहीं आप बताइए आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा अपना। अभी जो आपने वीडियो देखा, शायद उस वीडियो को देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कि आखिर बात क्या चल रही है, तो मैं आपको जो है कंटेक्स्ट समझा देता हूँ जिससे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर से मैं वीडियो को प्ले कर दूंगा तो आप देख लेना। तो जी बात है कि हम लोग आ रहे थे दार्जिलिंग से कटिहार की तरफ सिलीगुड़ी होकर के, तो बीच में एक दालकोला चेक पोस्ट आता है, तो उस चेक पोस्ट पर जो है शराब की चेकिंग होती है। हम लोग वहाँ पर गए, हमारी गाड़ी को रोका गया, समझ गए कि इनको जो है शराब की चेकिंग करना है, तो हमने जो है शराब चेक करने दे दिया। पूरी गाड़ी उन्होंने चेक कर ली, अच्छे से खंगाल लिया। और जी हो क्या रहा था उस समय, जब वो चेकिंग कर रहे थे तो हम लोग जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमने सुना है कई सारे केसेस हमने जाना है कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसमें शराब की बोतल रख देते हैं और फिर उसके बाद जो आपको फंसा देते हैं। तो जी इसी सबसे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं इस तरह का कोई भी बात होता है तो हम वहां पर जो है अपना भी कैमरा जरूर ऑन कर लेते हैं, ताकि अपना सिक्योरिटी रहे, अपने पास एक प्रूफ रहे कि हम गलत नहीं है। रात के 2 बज रहे थे, उन्होंने जब गाड़ी चेक की हमारी और हम लोग निकल गए, वीडियो बना रहे थे अपना निकल गए, और उसके बाद फिर से उन्होंने हमारी गाड़ी घुमा दी। बिल्कुल जी, यह बात जो है उनको लग गया ईगो पर कि हम लोग जो है वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे। उसके बाद जो भाई हम लोग निकल गए हैं, और निकल गए हैं तो फिर अचानक से कहता है गाड़ी रोको, गाड़ी को पीछे करो, साइड लगाओ। ये लगा सबसे ज्यादा खराब इस बात का लगा कि आप जब गाड़ी चेक कर रहे थे, आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ,
जो कि उस टाइम प्रियांश बहुत ज्यादा रो रहा था अंदर बिल्कुल, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, अच्छे से पता था कि हमारी गाड़ी में कुछ नहीं। उनको बस अपने पावर का जो है थोड़ा हिकरी दिखाना था कि हाँ हम पुलिस है, मेरे पास पावर है। ये अभी अंदर चली गई है जी, क्योंकि क्रियांश अभी रो रहा है, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जी बात हुआ कि हमने गाड़ी को जो है पीछे कर दिया, गाड़ी को पीछे हमने इसलिए कर दिया क्योंकि पुलिस वालों से क्यों बेकार में भिड़ना जी, क्यों बेकार में पंगे लेना। तो देख सकते हैं क्रियांश भी अपना आ रहा है, फिर हमने गाड़ी पीछे कर दिया, फिर से वो चेकिंग करने लग गए। तो चेकिंग हम करने दे रहे थे, लेकिन देख रहे थे बदतमीजी से बात भी कर रहे थे, यहाँ जो है अपने पावर का जो है अपना रुतबा दिखा रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। तब कहे क्या इसको, तब सीधा करना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी जब हमने रोका तो फिर वो मतलब बदतमीजी से थोड़ी सी बात करा तो हम फटाक से निकल गए गाड़ी से, और क्रियांश को भी लेके निकल गए क्योंकि गाड़ी में ये बहुत ज्यादा रो रहा था। उनको इतना सा समझ नहीं था कि छोटा सा बच्चा इतना रो रहा है, अपनी ईगो दिखाने के बदले थोड़ा सा शांत से भी बात कर सकते हैं कि आप वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने मतलब वहाँ पे भी बंद नहीं हो रहे थे तो फिर इन्होंने अपना कैमरा निकाल लिया था। और उसके बाद हमने बोला कि अच्छा ठीक है आप पुलिस हो ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ कार्ड दिखाओ, ना तो आप ड्रेस में हो, और आप ड्रेस में नहीं हो तो चलो कोई बात नहीं, आप अपनी आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। हाँ। ना तो अपनी आईडी कार्ड दिखा रहे हैं ना वो अपने ड्रेस में, तो हम कैसे माने कि आप पुलिस हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है शुरू हो गए, और जैसे ही कैमरा निकाले भाई साहब की पूरा पलट ही पलट गया, एकदम हेकरी बंद हो गया। इतना भी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, बताइए आप हमको आपका नाम क्या है, वो अपना नाम तक नहीं बता रहे थे, अपनी आईडी नहीं दिखा रहे थे, उनके पास वर्दी नहीं था। तो भाई साहब भाग खड़े हुए वहाँ से, सबसे ज्यादा मुझे ये लग रहा था वहाँ पे चार पांच पुलिस थे, उनमें से कोई नहीं आया और ना ही कोई मेरी गाड़ी चेक कर रहे थे। बस उसी को दिक्कत था, उसी लड़के को अपना जो है अपना पोजीशन दिखाना था, अपना पावर दिखाना था। बाद में बाकी जो पुलिस वाले थे हमको कहे कि सुनिए नहीं जाइए ना, उसके बाद हमें भी लगा चलो भाई कि कोई बात नहीं वो कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों करें करने दो, और हम लोग घर चलते हैं क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और प्रयास बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो हम लोग घर के लिए निकल गए, और ज्यादा वीडियो हम आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि बहस तो बहुत ज्यादा हुई थी, और हम इस वजह से भी नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाए इस वीडियो से, जैसे हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे हैं, उसके घर में भी कुछ छोटे बच्चे होंगे। बस आप लोगों के कारण पुलिस लोग बदनाम होते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के कारण ये सारे पुलिस वाले बदनाम होते हैं। यह जो वीडियो हमने डाला है जी, इस वीडियो को डालने का हमारा इंटेंशन कतई नहीं है, एक हाइप क्रिएट हो, सनसनी पैदा हो, हमें जो है व्यू मिले, पब्लिसिटी मिले, बिल्कुल नहीं जी। हमारा बस इतना सा मकसद है लोगों को जागरूक करना, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वीडियो के जरिए आपको जो है अपनी ताकत का एहसास करा सके कि आपके हाथ में भी एक बहुत बड़ी ताकत है, आपके हाथ का यह फोन के कैमरा के सामने जो है कोई भी गलत करने की जल्दी हिम्मत नहीं करता है। ऐसा करते हैं जो उस वीडियो को फिर से प्ले कर देते हैं, आपको शायद अब जो है अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, और वहीं पर हम लोग ब्लॉग को खत्म कर देंगे। हाँ बताइए, आपको हमारे ऊपर संदेह है कि इसमें कुछ सामान है? यहाँ पे सब लोग हाँ, संदेह होती है। ठीक है, क्या संदेह है बताइए? दारू चेक होता है। हाँ तो करिए चेक, तो करिए चेक करिए, पूरा गाड़ी है आपके पास ना, ये बोलेंगे कि हम चेक करेंगे, इनका आईडी देखेंगे कि नहीं, कैसे समझेंगे आप ड्यूटी पे हैं? आपको भरोसा नहीं था तो आप चेक किए, हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। नाम क्या है? हाँ नाम बताइए क्या है? नहीं नहीं आप बताइए आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा अपना।